हेलो, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड की। केवल 50 रुपये आप बचा के दिन के, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 रुपये हर आदमी बचा सकता है आज के टाइम में, नशा इत्यादि बंद करके। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग, मेरी जैसे छुट्टी होती है तो मैं देखता हूँ ठेके पे जाके लोग खड़े हो जाते हैं, पौवा खोलते हैं और सीधा अंदर। तो पियो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर 50 रुपये अपनी फैमिली के लिए बचाओ आप लोग। अगर आप 50 रुपये बचाओगे ना, तो जिंदगी के अंदर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? केवल 50 रुपये जमा करके आप करोड़पति बन पाओगे। महीने के 1500 रुपये बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में 1500 रुपये जमा करना, हर आदमी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। पर जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक धमाकेदार इन्वेस्टमेंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका जो सिस्टमेटिक सिस्टम है ना, वो बहुत प्यारा है। SIP म्यूचुअल फंड सही है, SIP बेस्ट है। हमेशा हर आदमी को एक SIP जरूर करनी चाहिए, और वो भी स्मॉल कैप फंड की। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये स्मॉल कैप होते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, बाद में कंपनियां बड़ी होती हैं, आपका पैसा भी बड़ा होता है। तो आज हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है, भरोसा इतना है क्योंकि 1996 से चलता आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 15 अप्रैल 1996 से स्टार्ट है ये। NAV की बात करें 246 रुपये है। नेट एसेट वैल्यू इसकी आज की डेट में 246 रुपये है। अभी भी आपने देखा होगा, आज करीब 13 तारीख है, तो मार्केट गिरा हुआ है आज। तो एक तो ना, मार्केट गिरे हुए के अंदर ना लोग घबरा जाते हैं कि क्या होगा। लोग मतलब इन्वेस्टमेंट करी हुई निकालते हैं। अब मेरा एक यार दोस्त ने फोन पे में लगा रखा था पैसा, कहता नहीं नहीं सर, बहुत पैसा गिर गया, मेरे को तो निकाल दो। मैंने उसको खूब समझाया, शाम तक उसको समझाया कि मत पैसे निकाल, उसका दिल नहीं मान रहा था। फिर मैंने कहा कल आपको दिखाता हूँ मैं, कि आप इसको देखो ही मत, अगर आपका ज़्यादा लग रहा है ना तो मुझे बताना, मैं इसको फिर विड्रॉल कर दूंगा। अगर आपको दिमाग में ज़्यादा टेंशन है तो बाकी वो पैनिक मत हो आप, क्योंकि क्या होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं और नीचे जाएगा, और नीचे कितना चला जाएगा नीचे। आप देखो इसका आल रिटर्न आज भी 19.37 है। ईपीएफ, पीपीएफ, आरडी, एफडी, जितना भी पैसा लगा रखा है आपने, सुकन्या योजना 8% देता है सर, यहाँ पे देखोगे तो भी डबल है। तो घबराना कभी भी नहीं है, म्यूचुअल फंड में एग्जिट कभी भी नहीं मारना, मस्त होके चलते रहो, हमेशा मंथली SIP करते रहो। वो इसलिए क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है ना, लमसम करने का समय होता है, वो वही समय होता है असली इन्वेस्ट, जो बंदा इन्वेस्ट करता है ना पैसे, उसको पता होता है कि इस टाइम मार्केट के अंदर में पिक करने के लिए हमें यहाँ पे ज्यादा पैसे लगाने हैं, ताकि हमें यूनिट सस्ते मिले और हम ऊपर की तरफ जाएं तो हमारे पैसे ज्यादा हो। आज की रेट में 246 है, ये इससे नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, घबराना नहीं है। जितने यूनिट हो इकट्ठे करो, क्योंकि जितने यूनिट होंगे बाद में उसी की कंपाउंडिंग मिलेगी। कंपाउंडिंग का पावर है ये, समय के साथ में आप देखना, जैसे 15-20 साल हो जाते हैं तो यही पैसे 1 करोड़ों में बदल जाते हैं। तो रेटिंग की बात करते हैं, इसकी 3 स्टार है। फंड साइज की बात करें, 17,000 करोड़ लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है। और होल्डिंग की बात करें, 103 कंपनियां इसके पास में। देखो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 103 कंपनियां क्या है। सारी की सारी म्यूचुअल फंड में कंपनियां जितनी होती है, सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां होती हैं। सारा पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगता है। कभी आप सोचते हो आपने कहीं सेविंग कर रखी है, वो स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो उसका नाम लिखिए क्रोम पे और लिखिए कि ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते। सारा पैसा ही शेयर मार्केट में लगता है। उन लोगों के ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बताता हूँ 4 कंपनियों के नाम, जो कहते हैं मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मन नहीं है, और दूसरे को भी नेगेटिव कर देते हैं, जो उसका बेहतरीन समय होता है ना, वो खराब हो जाता है। तो उन 4 कंपनियों की नाम इसलिए बताता हूँ ताकि उन लोगों के ब्लूटूथ ऑन हो जाए, गलती से भी मेरा वीडियो अगर आपके पास आ गया है तो उसको पूरा 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 वॉच करें, ताकि आपको समझ में आए कि हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल सही समझ में आए। देखो 4 कंपनियों के नाम बताऊंगा। सबसे पहले अडानी पावर 3.3 के करीब लगा रखा है, RBL बैंक 2.26 के करीब, PNB बैंक 2.04 के करीब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 0.94 के करीब। आप देखो क्वांट स्मॉल कैप ने इन जैसे बड़े बड़े बैंकों पे पैसा लगा रखा है। तीन तो बड़े बैंक बताए मैंने, 103 कंपनियां इनके पास में है। बस शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में सिर्फ फर्क इतना है, शेयर मार्केट में आप एक कंपनी पे पैसा लगाते हो, यहाँ पे 103 कंपनियों पे पैसा लगाते हो, और वो भी कितना, दिल्ली के 50 रुपये बचा के 1500 रुपये मंथली, और उसमें भी आप करोड़पति बनोगे। अब आप ये देखो कि कई लोग कहते हैं कि पैसा
खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कंपनी लेके भाग जाएगी। सर दिमाग से ही निकाल दो आप, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा कॉन्फिडेंस देखो 100% सही है, क्यों टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वाकई में ही म्यूचुअल फंड सही है। टीवी में ऐड आती है ना, म्यूचुअल फंड सही है, 100% मार्केट रिस्क है पर म्यूचुअल फंड सही है, ये बात याद रखना। अगर आपको समझ में आ गई तो आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी स्मॉल कैप फंड ले लो, मैं जरूरी नहीं है मैं क्वांट स्मॉल कैप के बारे में, कोई भी ले लो आपको जो अच्छा लगता है, पर एक स्मॉल कैप आपके पास में हमेशा होना चाहिए। क्वांट स्मॉल कैप भी बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के देता है आपको। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.7 है, एग्जिट लोड की बात करें 1% है, 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे। एएम की बात कर लेते हैं, 55,000 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें लगा रखे हैं, भरोसा तभी इतना पैसा लगा रखा है। ऑल रिटर्न की बात करें 19.37 है, 5 ईयर की बात करें 36.52 है, 3 ईयर की बात करें 42.95 है। केवल 50 रुपये मंथली बचाना है, 50 रुपये सॉरी डेली के, मंथली 1500 रुपये बने, 19.37 रिटर्न मान के चले 25 साल। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आपका बच्चा हुआ है, तो आप उसको ले सकते हो। 25 साल बाद में आपने जो पैसा लगाया, 4,50,000 रुपये आपने जमा करे और आपको मिल गए 1,14,23,521। सर इतना पैसा कभी भी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हम क्या करते हैं, लिमिट प्राइवेट जो लिमिट की होती है, मतलब लिमिट का पैसा मिलता है, और उस लिमिट को मतलब एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हम ये सोचे कि आज हम नौकरी पे नहीं जाएंगे, केवल पैसे से ही जिंदगी बितानी है, वो कैसे होगा? ये समय है आपके पास में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इस समय में 15 साल या तो आप ऐश कर लो या 15 साल म्यूचुअल फंड में पैसे डालो। 15 साल इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादा पैसे लगाओगे तो 15 साल में भी फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो सकते हो, मंथली 10,000 रुपये की बता रहा हूँ, ये 1500 रुपये की है, तो इसमें 25 साल लगेंगे आपका। समय समय कई लोग आके वेस्ट कर देते हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए या LIC का प्रोजेक्ट लेके आएंगे या आपको कोई ना कोई मेडिकल की सुविधा दे जाएंगे, और वो अपना मतलब 2-4% बनाने के चक्कर में आपका समय वेस्ट कर देंगे, और वो समय जो है वो एक ही बार मिलता है हमें। मान लो अभी आपने वीडियो देख रहे हो, आपके कोई 5 साल पड़ी है रिटायरमेंट के, तो आप मत लगाइए, फिर आप RD FD जहाँ है वहीं रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई तो ऐसा हो बंदा जो मेरी वीडियो देख के अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर ले, ताकि उसके बच्चों की उसकी खुद की लाइफ चेंज हो सके। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। धन्यवाद।